गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैरम पूल के सिंगापुर टेबल के बारे में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और ज़्यादातर ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो फ्री स्टाइल टेबल के बारे में होंगी कि भाई आप सिंगापुर फ्री स्टाइल के अंदर फर्स्ट रन कैसे ले सकते हैं हर बार। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी ट्रिक की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि भाई जो सिंगापुर का टेबल आप खेलने जा रहे हैं उसमें ट्रन आपको मिलेगी या आपके ओपोनेंट को मिलेगी। ये क्या बात करता है यार। पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर पहले ही पता चल जाए कि जो फ्री स्टाइल सिंगापुर के टेबल पर आप मैच खेलने वाले हैं उसके अंदर जो ट्रन है वो आपके ओपोनेंट को मिलने वाली है, तो क्या आप फिर भी मैच लगाएंगे? तो चलिए गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो पहला मैच मैंने लगाया था उसके अंदर ट्रन मुझे मिली थी, तो मैंने गेम फिनिश कर दिया। और इसके बाद गाइज जो दूसरा टेबल मैं लगाऊंगा सिंगापुर का, उसके अंदर भी ट्रन मुझे मिलेगी। जी हाँ गाइज, मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और गाइज, जो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ट्रन लेने के बारे में होगी। तो एक फेमस ट्रिक है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जैसे आप सिंगापुर का टेबल खेलकर बाहर आते हैं आप एक बार पेरिस का टेबल लगा दें। मुझे पता है ये ट्रिक आप लोगों को पता होगी और पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, लेकिन गाइस जो दूसरी ट्रिक है ना उसके लिए आपको ये पहली वाली ट्रिक अप्लाई करना ज़रूरी है। अब जैसे कि ट्रन ओपोनेंट की आ गई तो आप एक बार मैच लीव कर लें और उसके बाद गेम को एक बार रिफ्रेश ज़रूर कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद गाइस जैसे ही आप गेम के अंदर आएंगे तो जब आप मैच लगाएंगे तो दूसरी वाली ट्रिक की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि भाई रन आपको मिलेगी या आपके ओपोनेंट को। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना यहाँ पर सिंगापुर के अंदर मैच लगा दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा मैच कनेक्ट हो चुका है और मैं आपको बता सकता हूँ कि रन मुझे मिलने वाली है। चल झूठा। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैच कनेक्ट हुआ था उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि भाई ट्रन मुझे मिलने वाली है। ऐसा हुआ गाइज एक दूसरी वाली ट्रिक की मदद से। तो दूसरी वाली ट्रिक क्या है, अभी चलिए गाइज टाइम आ चुका है आपको दूसरी वाली ट्रिक समझाने का। यहाँ पर गाइज पहले इस वाले मैच को फिनिश कर देते हैं और मैच हम लोग विन कर चुके हैं। और जो दूसरी वाली ट्रिक है वो मैं आपको जो है ना डायरेक्ट प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, तभी आपको यकीन आएगा और इसे आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज, मैंने पेरिस का टेबल एक बार फिर से मैच लगा दिया और इस बार जो ट्रन है वो ओपोनेंट की आनी चाहिए। अगर ट्रन हमारी आती तो आपको दोबारा पेरिस का टेबल खेलना पड़ेगा। ओपोनेंट की ट्रन आएगी तो मैच लीव करके एक बार गेम को रिफ्रेश कर लें। गेम जैसे ही ओपन होगी गाइज आपने क्या करना है कि आप जब सिंगापुर के अंदर मैच लगाएंगे तो यहाँ पर गाइज आप एक चीज़ नोट करें कि अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर ओपोनेंट को आने में तो इसका मतलब है ट्रन आपके ओपोनेंट को मिलने वाली है। ऐसा क्यों है गाइज? तो मैं चाहता तो यहाँ पर मैच लीव कर सकता था, मुझे पता था ट्रन मुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन मैंने मैच लीव नहीं किया क्योंकि आप लोगों को प्रूफ जो दिखाना था। और गाइज इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप मैच लगाते हैं और रूल्स के हिसाब से ट्रन आपको मिलनी होती है और जब आप मैच लगाते हैं तो आपका मैच कनेक्ट नहीं हो रहा था और आप देखते हैं कि यार टेबल के अंदर प्लेयर्स तो बहुत सारे ऑनलाइन थे लेकिन मैच नहीं लग रहा, ये बात सर्वर को भी पता होती है। इसलिए सर्वर पहले एक ऐसा ओपोनेंट ढूंढ रहा होता है जिसके अगेंस्ट में ट्रन आपको मिलनी हो, लेकिन जब सर्वर को ऐसा कोई भी ओपोनेंट नहीं मिलता थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद, तो सर्वर को मजबूरन किसी दूसरे ओपोनेंट के साथ आपका मैच कनेक्ट कर दिया जाता है जिसमें कि ट्रन आपको नहीं मिलती, हालांकि रूल के हिसाब से बारी तो आपकी थी ट्रन की। तो गाइज इसीलिए जब आपने पहली ट्रिक यूज़ कर ली, रिफ्रेश भी कर लिया गेम को और उसके बाद आप सिंगापुर के टेबल के अंदर अगर आप मैच लगाते हैं तो यहाँ पर बारी आती है दूसरी ट्रिक की। तो यहाँ पर से गाइज अगर आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपोनेंट को ढूंढने में आपके सर्वर को, तो समझ जाइए इस बार भी गाइज जो ट्रन थी वो मुझे नहीं मिलने वाली थी, तो इसीलिए मैंने देखे मैच को बैक कर लिया। और गाइज यहाँ पर अभी मैं आप लोग को तीसरी ट्रिक बताता हूँ सिंगापुर फ्री स्टाइल टेबल के बारे में। और गाइज तीसरी ट्रिक ये है कि भाई आप सिंगापुर का टेबल फिलहाल भूल जाए मेरी जान, अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है तो। फिर भी गाइज जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं जिनके पास 100-200 मिलियन कॉइन्स हैं वो लोग सिंगापुर ही खेलते हैं, उससे छोटा कोई टेबल नहीं खेलते, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताई है। गजब बेइज्जती है। बाकी अगर आपके पास 5 मिलियन 10 मिलियन कॉइन्स हैं तो तीसरी ट्रिक आपके लिए यही है कि भाई आप सिंगापुर का टेबल भूल जाएं। बाकी गाइज अगर आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि तीनों ट्रिक्स में से आपको सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी। और अगर आप इस सीरीज़ का पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसके अंदर जो है ना मैं आपको हो सकता है कि सिंगापुर के ब्रेक्स के बारे में बताऊँ कि आप ब्रेक्स को कैसे हिट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पार्ट 2 के अंदर मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊँ सिंगापुर के बारे में, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट जो है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस सीरीज़ के अंदर जो है ना मैंने 3 वीडियोस को प्लान किया हुआ है लेकिन आपको 1000 लाइक्स पहले कंप्लीट करने होंगे, इसलिए आप जो वीडियो देख रहे हैं तो भाई सभी लोग लाइक करते जाएं ताकि बहुत ही जल्दी 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाए। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
अल्लाह हाफिज़।